हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलायंस जियो के बारे में, हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में वो एज अ पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही कहला रहा है। तो देखेंगे तो देखियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जो शेयर है वो 1280 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है रिलायंस जियो को लेकर के, रिलायंस जियो का आईपीओ अगले साल लॉन्च हो सकता है। तो आखिर आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है उसके, बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम आर्म जियो लाइकली टू एंटर स्टॉक मार्केट नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब जो रिलायंस जियो है, वो अगले साल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकता है, एंट्री कर सकता है, नया शेयर निकल सकता है रिलायंस जियो का। तो अच्छी न्यूज है ये, आप पॉजिटिव न्यूज है। यहाँ पर है कि मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान टू टेक इट्स टेलीकॉम आर्म रिलायंस जियो इन्फोकॉम पब्लिक इन लेटर हाफ ऑफ 2020। तो 2020 के बीच में, मिड में वो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस इनिशिएटिव फॉर रिलायंस जियो आईपीओ हैज पिक अप पेस विद कंपनी एक्सक्लूसिव होल्डिंग मल्टीपल मीटिंग्स विद द बैंकर्स एंड कंसल्टेंट्स। तो देखिए, हाल फिलहाल में बैंकर्स और कंसल्टेंट के साथ काफी ज्यादा मीटिंग्स चल रही है रिलायंस जियो को के एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर काफी ज्यादा अग्रेसिवली यहाँ पर मीट कर रहे हैं ताकि इस चीज को ये लोग फर्दर आगे ले सके। तो यहां पर अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो टेलकोस फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट इन्वेस्टर फॉर द ट्रू टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विच ओन्स द कंपनी टावर एंड फाइबर असेट्स। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये रिपोर्ट है। तो देखिए, रिलायंस जियो के पास हाल फिलहाल में दो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, मतलब जी अगर दो चीजें एंटिटी ये लोग ओन करते हैं, जिसमें से एक है कंपनी का टावर बिजनेस और दूसरा है इनके फाइबर असेट्स। तो दो चीज ये लोग ओन कर रहे हैं, टावर बिजनेस और फाइबर असेट्स, और दोनों चीजें हाल फिलहाल में ये अभी इनको बेचने की भी कगार पर है। कुछ होल्डिंग इसमें बेचने की भी ये लोग प्लान कर रहे हैं। और देखा जाए तो देखिए, कंप द टेलीकॉम कंपनी हैज इन्फॉर्म बैंकर दैट इट एक्सपेक्ट टू टॉप कंपटीशन ऑफ द सब्सक्राइबर फंड शॉर्टली विच वुड ब्रिंग इन मोर रेवेन्यू एंड रोल आउट इट फाइबर टू होम नेटवर्क ऑल ऑफ विच विल एंश्योर सक्सेसफुल आईपीओ। यहाँ पर देखो, जैसे हम सबको पता है कि अगर कोई टेलीकॉम बिजनेस को हमें सेटअप करना है तो उसके लिए काफी ज्यादा पैसा चाहिए होता है, काफी ज्यादा रेवेन्यू चाहिए होता है इसको। और यहाँ पर है कि काफी ज्यादा कंपटीशन भी हाल फिलहाल में टेलीकॉम को लेकर है, और स्पेशली सब्सक्राइबर के बेसिस पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू भी इनको, अगर जितने सब्सक्राइबर है उसके कंपेयर में जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे इनका गिरता जा रहा है। जितने सब्सक्राइबर है, मान लीजिए कि इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, लेकिन पर सब्सक्राइबर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो यहाँ पर है कि रिलायंस जियो वॉज द ओनली टेलको टू रिपोर्ट प्रॉफिट इन द मार्च क्वार्टर। तो पिछले मार्च क्वार्टर की बात करें तो रिलायंस जियो एक एक लौता टेलीकॉम है जिसने प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर रिलायंस जियो का अगर प्रॉफिट की हम बात करें मार्च 31 2019 की, तो उनका जो प्रॉफिट था वो क्वार्टर का, वो 800 करोड़ के करीब का था, 800 करोड़ के करीब का ये प्रॉफिट था। और अगर देखें द टेलको आर्म्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज शो इट्स नेट प्रॉफिट जम्प 64.7% एज कम्पेयर टू 510 करोड़ कोरस्पोंडेंट पॉइंट। तो पिछले साल रिलायंस जियो का जो प्रॉफिट था वो 510 करोड़ का हुआ था, और इस बार मार्च में 840 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। तो डेफिनेटली एक बढ़िया चीज है, यहाँ पर प्रॉफिट इनको काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 वॉज टू था 2,964 करोड़। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कंपनी हैज पोस्टेड नेट प्रॉफिट ₹720 करोड़ ड्यूरिंग 2017-2018 टू इंक्रीज 720। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर बस रिलायंस जियो का जो प्रॉफिट है उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि काफी तरीके से इंक्रीज भी हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है हाल फिलहाल रिलायंस जियो के लिए,
वो है कि टेलीकॉम बिजनेस को सेटअप करने में इन्होंने काफी ज्यादा खर्चा किया है, और कंपनी ने ये जो पैसा उठाया ये मार्केट से पैसा उठाया, कोई नया आईपीओ इन्होंने लॉन्च नहीं किया या ना ही कुछ किया है, तो मार्केट से इन्होंने पैसा उठाया है, और इसी की वजह से काफी ज्यादा इनके ऊपर कर्जा भी हाल फिलहाल चढ़ चुका है, और यही एक रीजन है हाल फिलहाल कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए ये लोग जो अपने टावर और फाइबर का जो इनके असेट्स है इसको ये कहीं ना कहीं बेचने के लिए थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर बेचने के लिए भी ये लोग सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली इसकी वजह से अगर आने वाले दिनों में अगर ये डील हो जाती है तो एक अच्छा फायदा मैं इसके जरूर मानूंगा। और तो और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए 1,280 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2.87% की गिरावट आ चुकी है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में हालांकि 4.5% तक गिर चुका है, 1,350 रुपये से भी ज्यादा का हाई यहाँ पर बना था और 1,277 रुपये का लो भी यहाँ पर बना हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 8,10,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये इनका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाएंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट आप देखिए 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट है, तो काफी अच्छे इनके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। और मेरी बात यह है कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर कल को जब ये रिलायंस जियो का जब शेयर बाहर निकलेगा, आईपीओ पड़ेगा, तो आपको रिलायंस जियो का भी शेयर आपको मिलेगा। और तो और इनका जो बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, टेलीकॉम बिजनेस भी है, रिफाइनिंग बिजनेस भी है, और तो और रिटेल बिजनेस भी है। तो कल को शायद अगर वो रिटेल का भी अगर डीमर्ज करना चाहे तो वो भी आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर निकल कर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अगर आपने इसमें खरीदा है तो होल्ड करें, पैनिक में आकर देखिए जो गिरावट आ रही है उसमें पैनिक में आकर आप बेचने की जल्दबाजी ना करें, और अगर आपने नहीं खरीदा तो आप तब भी थोड़ा वेट करें। डेफिनेटली देखो आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट आपको शायद इसके शेयर्स में देखने को मिल भी जाए, तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में इसमें शेयर खरीदिए। डेफिनेटली आप कम से कम अगर 2 या 3 साल का अगर आप पोर्टफोलियो लेकर चलेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री देखो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ये, और इसके अंदर मल्टीपल बिजनेसेस है, मल्टीपल बिजनेसेस है, चाहे वो टेलीकॉम हो गया, चाहे वो रिटेल हो गया, चाहे वो रिफाइनिंग हो गया। और देखिए आने वाले दिनों में रिलायंस जो है वो और भी ज्यादा बिजनेसेस में अपने हाथ डालेगा, और भी ज्यादा बिजनेसेस में वो पैसा लगाएगा, बाकी जितने भी बिजनेसेस है उसमें भी आपको रिलायंस देखने को मिलेगा। और उसी की वजह से जब वो भी डीमर्ज होकर निकलेंगे आज नहीं तो कुछ साल बाद, तब भी आपको काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट हो तो रिलायंस इंडस्ट्री डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट पिक हो सकता है। और तो और मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करें, जो नए बायर्स हैं उनको मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें खरीदारी में। अगर ये शेयर आपको 1,200 रुपये के करीब मिल जाता है, अगर और 70-80 रुपये अगर और ज्यादा गिर जाता है, और अगर 1,200 से 1,150 रुपये के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली आपके लिए ये अच्छी बाई हो सकती है। तो आप छोटी छोटी क्वांटिटीज में इसमें शेयर खरीदिए और कम से कम 2 या 3 साल का पर्सपेक्टिव लेकर चलिए इसमें, तो आपको बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा, और आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।